अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जंग की इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। इस वक्त मैं इलेक्शन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब्दुल रज़ाक हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुर्रम न्याज़ी हैं। और हम अगर बात करें जंग के 3 कौमी असम्बली के हल्के और 7 सूबाई असम्बली के हल्कों के हवाले से, तो आज से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो बनाए गए हैं NA 108, 109 और 110, इसी तरह जो PPs हैं नीचे हैं उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो दफातर हैं वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवारों की तरह जानिब से जो दरख्वास्तें हैं के जो फॉर्म्स हैं वो लिए जा रहे हैं, जिन्हें 20 से लेकर 22 तारीख तक जो है वो 22 दिसंबर तक जमा करवाया जाएगा। और तैयारियां इस वक्त जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो हैं वो होंगे और इंतखाबी दंगल 8 फरवरी को सजेगा। इस पर सर्वे भी करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ जो शेयर करनी है, पहले वो शेयर करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जंग का कौन बनेगा सुल्तान, इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन इससे पहले वो कौन से उम्मीदवार हैं जो इस हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये बहुत अहम खबर है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद जो मैंने यहाँ पर जो सूरत हाल देखी और लम्हा बा लम्हा हम ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको गुजारिश करूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे अहम जो इलेक्शन से जो मुतलका खबरें होंगी वो आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेंगी। और आज का ये प्रोग्राम जो है वो जिगर चाइनीज़ रेस्टोरेंट के खसूसी तआवुन से किया जा रहा है। मकसद ये है कि आपको बाखबर रखा जाए। NA 109, 108 ये 2 हलके जो हैं वो बहुत अहम हैं। इन 2 हलकों में कौन उम्मीदवार सामने आ रहे हैं तो वो आपको बताते चलते हैं। NA 109 की मैं बात करूँगा सबसे पहले। तो NA 109 में जो सूरत हाल है वो कुछ ये है कि शेख मोहम्मद याकूब वो इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम बीबी भरवाना जो हैं वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। 3 हलकों में भी सुनने में आ रहा है 2 जो हलके होंगे वो होंगे NA 109 और NA 108। 2 जगह से इलेक्शन जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि 2 जगह से उन्होंने फॉर्म है कागजात नामजदगी के वो हासिल किए हैं, जिन्हें जमा करवाएंगी। इसके साथ मोहम्मद माविया आज़म हैं जो कि साबका MP हैं, वो NA 109 से उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी इसका फैसला जो है क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो करेगी कि उसमें, क्योंकि मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अहमद लोधानवी जो हैं वो पहले सुनने में आ रहा था कि NA और MPA दोनों की सीटों पे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अब पता ये चल रहा है अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अभी उनकी पार्टी का इजलास चल रहा है, जो ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हो सकता है कि वो PP 127 से आएँ और मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म जो हैं वो NA 109 से आएँ। बहरहाल अभी ये चीज़ें चल रही हैं और NA 109 की जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो दंगल सजेगा जंग में इलेक्शन का आम इंतखाबात का वो NA 109 होगा। अभी ये यहाँ पे शेख मोहम्मद अकरम जो हैं वो भी आज़ाद हैसियत के तौर पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने उम्मीदवार हो गए वो आप देख सकते हैं। तो मतलब सब ज़्यादा जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनका जो मुकाबला होगा वो NA 109 में होगा, जिसमें मैंने आपको बताया शेख मोहम्मद अकरम है, गुलाम बीबी भरवाना है, शेख मोहम्मद याकूब है, मौलाना मुआविया आज़म है, मौलाना अहमद लुधानवी हैं, और ये जो बड़े नाम हैं वो NA 109 में हैं जो उम्मीदवार होंगे और मद्दे मुकाबिल होंगे। अब यहाँ पर बात होगी कि कौन किस पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ेगा। इसका फैसला तो जो है वो आइंदा 2 से 4 रोज़ 5 रोज़ तक हो जाएगा कि किस हलके से कौन उम्मीदवार जो है वो
किस पार्टी का होगा। डिस्ट्रिक्ट पूरे की अगर हम बात करें जंग की, तो 17 लाख से जायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द और ख्वातीन वोटर्स जो हैं वो शामिल हैं। और क्योंकि 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और 7 सूबाई असम्बली के हलके हैं, जिनमें 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात से कबल तैयारियां जो हैं उसका आगाज़ हो चुका है और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और दरख्वास्त जो हैं उनके जो फॉर्म्स लेने के लिए रुख कर रहे हैं उम्मीदवार, उनके सपोर्टर्स रुख कर रहे हैं। और ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हमने बताई है, 20 से 22 तारीख तक जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाई जाएंगी, कागजात नामजदगी जमा करवाया जाएगा, जिसके बाद जो है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और बाकी अमल जो है वो फिर चलेगा। और हम आपको रोज़ाना इलेक्शन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे।